हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अडियट विद फ्यूचर के एपिसोड 4 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, कैप्टन जेन जुलाई को डांट रहे होते हैं कि उसको अपनी थोड़ी सी भी केयर नहीं है क्या, वो बिल्कुल भी अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं देती और बोल देते हैं कि वो उनको मैसेज भी तो कर सकती थी। जुलाई भी बोलती है कि आपने तो किसी का अभी तक रिप्लाई नहीं किया, आप तो मेरे मैसेज पढ़ते भी नहीं है। और फिर कैप्टन जिन कह देते हैं कि किसने कहा कि मैं नहीं पढ़ता, और उनकी बात सुन के जुलाई भी खुश हो जाती है। और फिर कैप्टन जिन वहाँ से चले जाते हैं। घर पे जुलाई काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो अपने डॉग पीस से बात कर रही थी कि मुझे लगता है आप कैप्टन जिन बड़े बारे में केयर करने लगे हैं। और तभी कैप्टन जिन का उसको एक रिप्लाई भी आ जाता है। फिर दिखाते हैं जुलाई अपने टीम लीडर को कन्विंस कर रही होती है कि हम टैंगडा कंपनी के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि उनके ऑपरेशन किस टाइप से चल रहे हैं, ये इलीगल सामान वाले, और अगर ये सब कुछ प्रूव हो गया तो जो मुझ पे केस लगा है वो अपने आप ही हट जाएगा। उसके टीम लीडर उसको समझा रहे थे कि ये बहुत बड़ा केस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ ठीक भी नहीं हो सकते हैं। बट जुलाई बोल देती है कि अगर हम इसको अच्छे से कवर करते हैं तो हमारा चैनल पहला ऐसा चैनल होगा जो इस मुद्दे को उठाएगा और जिसमें इतने गट्स होंगे जो इतनी बड़ी कंपनी के सामने खड़ा होगा। तो टीम लीडर भी उससे कन्विंस हो जाते हैं, उससे कह देते हैं कि ठीक है, वो इस पे काम कर सकती है। फिर दिखाते हैं टैंगडा कंपनी के एक्सपोजर के बाद में सेल्वी भी आके जुलाई की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है कि उसकी वजह से इतना बड़ा केस उनको मिल गया और उनको अब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से ऑफर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं जुलाई को पता चल जाता है कि वो पोस्ट पे लाइक किसने किया था। वो जियांग से बोलती भी है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। जियांग कहती है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। जुलाई इसको बता देती है कि उस दिन मैंने सब कुछ चेक किया और मुझे पता है कि जिस इंसान ने भी वो किया था वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था, बट वो एक कैमरा भूल गई और उसी कैमरे से और मुझे टाइम का पता चला किस टाइम पर उस पोस्ट को लाइक किया गया था, और उस टाइम ऑफिस में सिर्फ तुम ही थी, तो तुम नहीं करोगी तो और कोई यहाँ पे भूत करने आएंगे क्या। जियांग भी कह देती है कि हाँ, अगर मैंने किया तो तुम मेरा कर क्या सकती हो। जुलाई भी कह देती है कि मैं भी एक इस टाइप की एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी। ऐसी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है ना कि जिसमें सीनियर जूनियर्स को बुली कर रहे होते हैं, और मुझे तुम एक पुश ओवर मत समझना। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मगर आगे से मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन की बच्चों के साथ एक डांस पार्टी चल रही होती है और वहीं पर वो लड़की आ जाती है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और कैप्टन जिन ने उसको बचा लिया था। उसको देख के फायर फाइटर्स कहते हैं कि तो जुलाई से भी बदतर है, इससे अच्छा तो हम यहाँ पे जुलाई को बुला लेते हैं। और जैसे ही वो सुसाइडल गर्ल जिनसे हाथ मिलाने के लिए आ रही थी तभी वहाँ पर जुलाई पहुँच जाती है और वो उससे बोल देती है कि मैं जान की फैमिली हूँ, और फिर वहाँ से उस लड़की को पकड़ के ले जाती है और उससे बोल देती है कि तुम कैप्टन जिन से दूर रहो। बट वो लड़की बोल देती है कि मैं क्यों दूर रहूँ, उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक कि खुद कैप्टन जिन मुझे रिजेक्ट नहीं कर देते, और अगर वो मुझे रिजेक्ट करेंगे तो मैं अपनी जान ले लूँगी। जुलाई उसको समझाती है कि कैप्टन जिन का काम ही है वो लोगों को बचाते हैं, और तुम ये कैसा प्यार कर रही हो, अपने प्यार के लिए किसी दूसरे को ब्लैकमेल करना चाहती हो, किसी और को प्यार करने से पहले पहले अपने आप से तो प्यार करो। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तब कैप्टन जिन आके जुलाई से बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स बना लेती हो, काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। जुलाई भी कहती है कि आपकी फैमिली तो मैं 10 साल पहले ही बन गई थी, आपको वो प्रॉमिस याद नहीं है। उसकी बात सुन के कैप्टन जिन तो शॉक से हो जाते हैं, और फिर जुलाई पे हंसने लगती है कि मेरी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी ना। और फिर वो अपनी रबर निकाल के कैप्टन जिन के हाथ पे पहना देती है और उनसे कह देती है कि जब भी आपको कोई लड़की परेशान करे तो उसको ये दिखा देना और प्लीज इसको निकालना मत। फिर दिखाते हैं जुलाई और सारे फायर फाइटर्स को एप्पल्स बांट रही होती है और उनसे पूछती है कि कैप्टन जिन रिलेशनशिप से इतना भागते क्यों हैं, कोई और लड़की तो नहीं थी ना पहले। बट वो फायर फाइटर्स उसको ऐसे कुछ बताते नहीं है। फिर कैप्टन जिन फोटो को देख रहे होते हैं और उनको कुछ पुरानी यादें आ रही होती हैं। जब उनका ट्रेनिंग टाइम था तब उनको एक पनिशमेंट मिला था और उसको कंप्लीट करने के लिए उनका फ्रेंड फैंग भी आ गया था, और कैप्टन जिनको कुछ एक्सीडेंट की तस्वीरें भी याद आने लगती हैं और इतने ही उनकी आँख खुल जाती है। ये सब कुछ उनका एक नाइटमेयर था। नेक्स्ट डे कैप्टन जिन एक डॉग ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुँचते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं जुलाई एक डॉग को ट्रेन कर रही होती है, और वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि ये बिल्कुल तुम्हारे डॉग विंचेस जैसा है ना। और फिर वो जुलाई की भी काफ़ी तारीफ करने लगते हैं कि उसने इंटरनेशनल काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं इसी डॉग की ट्रेनिंग में। जुलाई कैप्टन जिन को देख के बोलती है कि तुम्हें नहीं पता होगा ना कि मैं डॉग को भी ट्रेन करती हूँ, मेरे बारे में तुम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जानते, क्यों ना हम कहीं बैठ के बात करें। बट कैप्टन जिन कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ही जुलाई के पास एक कॉल आ जाती है और वो उनसे कह देती है कि प्लीज़ अभी इस डॉग को तुम्हें ट्रेन कर लो, मैं अभी आ रही हूँ। कैप्टन जिन जैसे ही पीस के साथ खेलना शुरू करते हैं उनको एक वॉलेट मिलता है और उसके अंदर उनका विंड चेज का एक फोटो
फोटो होता है और उनको याद आ जाता है कि 10 साल पहले जब वो भूकंप आया था उन्होंने एक लड़की को बचाया था और उसको उन्होंने ये फोटो दिया था, और फिर उनको वो 10 साल पहले वाली सारी बातें याद आ जाती हैं और साथ में अपना प्रॉमिस भी याद आ जाता है। जुलाई भी उनको देख के खुश थे। कैप्टन जिन उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं। जुलाई कहती है कि जब मैंने आपका 10 साल वेट किया तो मैंने सोचा कुछ थोड़े टाइम और कर लेती हूँ, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट कैप्टन जिन उससे कहते हैं कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस टाइम पे तुम बस रिकवर कर रही थी और मैंने तुम्हें होप देने के लिए ऐसे तुमसे प्रॉमिस कर दिया था, इसका कोई मतलब नहीं था, तुमने तो इसको दिल पे ले लिया। पर जुलाई कह देती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। कैप्टन जिन उसको समझाते हैं कि ये कोई प्यार नहीं है, उस टाइम पे मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो गई, बस वही है, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। जुलाई भी उनको समझाने की कोशिश कर रही थी और वो उनसे लास्ट में पूछ लेती है कि क्या कभी चांस है कि वो उसको भी वापस से पसंद करेंगे। बट कैप्टन जिन मना कर देते हैं कि नहीं, वो उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। बट फिर भी जुलाई कह देती है कि मैंने 10 साल वेट किया है, मैं अब भी गिव अप नहीं करूँगी। फिर दिखाते हैं जुलाई अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही होती है और उसको बताती है कि क्या क्या हुआ। उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये वन साइडेड लव ऐसे ही रहता है। तो अभी उनका फ्रेंड याओजेंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो ड्रिंक्स पीने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे जुलाई को पिक करने के लिए आया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं फायर फाइटर्स को एक रेस्क्यू मिशन के लिए जाना होता है पर ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है तो वो दूसरा रूट चूज़ करते हैं और उस रूट में भी एक गाड़ी खड़ी होती है। तो कैप्टन जिन ऑर्डर दे देते हैं कि इस गाड़ी को हम ऐसी साइड कर देते हैं क्योंकि अगर हमने ज़्यादा टाइम तक वेट किया तो फिर हम रेस्क्यू ऑपरेशन में देर से पहुँचेंगे और काफ़ी सारे लोगों की जान उससे खतरे में आ सकती है। एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, सारे फायर फाइटर्स वहीं पर जा रहे थे, फिर फायर फाइटर्स अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ से लोगों को बचाते हैं। वहाँ पर जुलाई भी पहुँच जाती है रिपोर्टिंग करने के लिए। फायर फाइटर्स ने बहुत सारे लोगों को बचा लिया था, अधिकतर सब लोग जितने उस बिल्डिंग में थे फायर फाइटर्स ने सबको बचा लिया था। तभी एक लेडी आ जाती है, वो कहने लगती है कि मेरा बेटा अभी तक रूम में ही है, उसको अभी बचाया नहीं गया है। उसकी बात सुन के कैप्टन जिन जब अंदर जाते हैं वो सब में चेक कर रहे होते हैं बट उन्हें कोई भी नहीं मिलता। जब वो अलमीरा खोल के देखते हैं तो उसमें उस लेडी का बेटा बैठा होता है, वो उसको बचा लेते हैं और उसको तो नीचे भेज देते हैं बट अपने सारे साथियों से बोल देते हैं कि मैं एक बार और फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ और तो नहीं बचा है। फिर दिखाता है कैप्टन जिन सब कुछ अंदर चेक कर रहे होते हैं, कंडीशन बहुत ज़्यादा सारी होती है और होती है, एक्सप्लोजन होता है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।